मैं हूं आपका अपना कोच जे, आपका पर्सनल ट्रेनर। आज हम बात करने वाले हैं कि पहले दिन आप जो है कितना वेट उठाएं अगर आप बिगनर हैं, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन रहती है। मैंने देखा है अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में, मेंबर्स आते हैं और पूछते हैं कि हम जो है कितना वेट लगाएं, और जनरली जो है ट्रेनर्स रिकमेंड करते हैं कि ऐसे बोलते हैं कि आप जो है 4 से 5 प्लेटें लगा लीजिए, और यू नो समटाइम्स वो बोलते हैं जो कंफर्टेबल हो। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग यू नो कॉन्सेप्ट है और रॉन्ग रिकमेंडेशन है। इसके अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल जो है हमें कितनी इंटेंसिटी रखनी है या कितना वेट आपको रखना है जिससे कि इंजरी ना हो, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि जब मेंबर्स आते हैं नए तो उनको चोट लग जाती है, क्योंकि उनको लगता है वो बहुत ही जोश में है और वो बहुत ज़्यादा वेट उठा सकते हैं, बहुत ही वो स्ट्रांग है, तो उनको इंजरी हो जाती है क्योंकि उनको कोई बताने वाला ही नहीं होता कि कितना वेट लें। तो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो टेक्निकल फैक्ट समझ लेते हैं कि जैसे कि यू नो लिटरेचर में लिखा हुआ है, साइंटिफिक स्टडीज हैं और यू नो कुछ ट्रेनिंग पैरामीटर्स होते हैं जो कि बोलते हैं कि अगर आपको हाइपरट्रॉफी करनी है, मसल गेन करना है, या आपको एंड्यूरेंस करनी है या स्ट्रेंथ करनी है, तो आपको पर्टिकुलर जो है वेट उठाना पड़ता है जो आपके 1 RM का मैक्स होता है। अगर हाइपरट्रॉफी करनी है तो आपको 60 से 80% उठाना पड़ता है आपका यू नो 1 RM मैक्स का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 100 किलो का बेंच है तो आपको 60 से 80 किलो का स्टिमुलस लोड आपको हर ट्रेनिंग में, हर एक्सरसाइज में देना पड़ेगा, तो आपका हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। मगर मज़े की बात यह है कि बिगनर्स के लिए कि कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है कि आप जो है कितना वेट उठाएं पहले दिन में जाके और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना प्रोग्रेशन करें। तो हम उस पर बात कर लेते हैं कि मैंने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में देखा है, इसको एक इसकी कैलकुलेशन निकाली है और थंब ऑफ रूल है कि इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है 25 से 50% जो है अपने बॉडी वेट का यूटिलाइज कर सकते हैं हर एक एक्सरसाइज के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आपका 100 किलो बॉडी वेट है तो आप जो है यू नो 50 किलो अप टू 50% जो है अपने बॉडी वेट का हर एक्सरसाइज में ले सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी एक अप्रोप्रिएट इंटेंसिटी आपको मिल जाएगी और आपके जो है इंजरी नहीं होगी और आपका एक अच्छा वर्कआउट हो जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगी। और प्रोग्रेशन को अगर प्रोग्रेशन की बात करें तो उसमें आप ये कर सकते हैं 15-20 दिन में जो है आपका वैसे भी न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन से आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है। तो प्रोग्रेशन आप कैसे करें, आप इस बात को इस तरीके से समझ लेते हैं कि अगर आप 15 रैप कर रहे हैं 40 किलो, 15-20 दिन में आप जो है उससे पहले में भी आप जो है 40 किलो के आप 17-18 रैप करने लगेंगे, तो वो टाइम है जब आपको इंक्रीमेंट करना है, आपकी बॉडी आपको एकदम सिग्नल देगी कि आपको इंक्रीमेंट करना है। अब बात करते हैं कितना इंक्रीमेंट करें परसेंटेज का, तो उसमें जो है हम 5 से 10% का इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ये बहुत ही अप्रोप्रिएट इंटेंसिटी रहेगी। और याद रखिए एक बारी में एक ही जो है ट्रेनिंग वेरिएबल को बढ़ाएंगे, ना कि इन सारी चीज़ों को चेंज कर लिया, रेस्ट पीरियड भी कम कर दिया, एक्सरसाइज ऑर्डर भी कम कर दिया, लोड भी बढ़ा दिया, तो उससे हमारे को नुकसान होगा। एक एक वेरिएबल को टेक्निकली एक एक वेरिएबल को हम ट्रेनिंग से बढ़ाएंगे। और आज की हम टिप के बारे में बात कर लेते हैं। आज सबको पता है कि अब विंटर्स आ चुकी हैं तो अब हमें पानी का बहुत ही ध्यान रखना है। लोगों को लगता है सर्दियों में पानी की रिक्वायरमेंट कम रहती है, ऐसा नहीं है, सर्दी और गर्मी में आपको एक ही जैसी पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। थंब ऑफ रूल ये है और टेक्निकल कैलकुलेशन ये बोलती है कि हर 25 किलो के पीछे अगेंस्ट 1 लीटर पानी आपको लेना है। अगर आप 75 किलो के तो आपको 3-3.5 लीटर पानी लेना है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये चैनल को स्टार्ट करने का यही मकसद था, आपको एम्पावर करूँ, आपको इतनी यू नो इन्फॉर्मेशन मिले, इतना सोल्यूशन मिले कि आप जो है अपनी हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। अगर आपके पास ट्रेनर का एक्सेस नहीं है, इनफैक्ट पढ़े लिखे ट्रेनर का एक्सेस नहीं है जो आपको एकदम यू नो एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, तो उस केस में आप मेरा चैनल देख सकते हैं। आई होप यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आई एम योर पर्सनल ट्रेनर कोच जे, थैंक यू।